गुड मॉर्निंग बोल दो शिरू सबको, गुड मॉर्निंग बोल दो। नहीं शिरू यार, पता है शिरू ना अपने मुंह में कोई रैपर ले लिया है और उसको छोड़ ही नहीं रहा है। अभी उसको बोला चलो तुमको घुमाने लेके चलते हैं, तो घुमाने लेके आ गए। चलो तुम भागो, 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 भागो। सोच रहे भागते भागते छोड़ दे, कुछ करते करते छोड़ दे, लेकिन छोड़ ही नहीं रहा है। उसके मुंह में अगर कुछ है और छीनो ना तो सीधा काटता है, नहीं देखता कौन है, काट लेता है। हर किसी में कमी होता है, शिरो में यही कमी है कि अगर इसके मुंह में कुछ है और इसे तुमको मांग लो, इसका दिमाग घूम जाता है। सुनो ना, मूड इसका खराब है अभी, हट जाओ इधर से। चलो वही तो नहीं निकाल रहा है। नहीं निकालोगे? कितना गंदा सा मुंह बना रहा है, छोड़ देना रे। बहू आ, इधर आओ, इधर आ, इधर भाई, थोड़ा छोड़ दो। ये दीदी को भेजिए तो, जल्दी भेजिए ना। शिरू ना, शिरू ना, बउआ हमार सोना ना ना ना, कोई मेरे शिरू को कुछ नहीं बोलेगा, मेरा छोना पुत्र है कि। चलो पकड़ो, दौड़ाओ इसको जोर से कि छोड़ दे। दुआरी पे मुतना है उसको, लग रहा है उसी से मारूंगी। तो नहीं खा ना, खा ना, हाथ मत लगाओ ना। ओदी ले ले, ओदी ओदी। मैंने उसका पट्टा क्यों छोड़ रही हो तुम? उसको पता है बेवकूफ बना रही हो, तो दिल दिल दौड़ाओ ना, ले जाओ ना, दौड़ाओ। इतना सेवा, इतना पूजा हम लोग का नहीं हुआ भाई। इसको पता नहीं क्या हो जाता है, एक होता है ना झबरा कुत्ता का, एक एटीट्यूड से काटेंगे। चिहुआ हुआ से भी भयंकर, चिहुआ के मुंह में दांत तो होता नहीं है, काटेगा कुछ होगा नहीं। इसके मुंह में दांत है, अगर ये काट लिया तो आपको रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा इसको इंजेक्शन पड़ा हुआ है, बट चांस क्यों लेना, छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा। नहीं छोड़ा ना, घंटा से मारो, देखो ना मारो बोल रहे हैं तो देख रहा है पीछे। बैठो, कुछ नहीं करेंगे। खींच सकती हो बहन, तुम खींच ले, तुम मत खींचो, तुम्हारा हाथ रीच में उसके, तुम खींच ले। इतना है ऐसे क्यों कर देता है यार, माथा भी इसको चढ़ा हुआ सब, तब ना तू चलो चलो घर में, चलो उठो उसका एज पकड़ो, एज पकड़ो, अब प्यार कर दो। और डस्टबिन को ऐसे खुला नहीं छोड़ेगा, जाओ उधर जाओ। मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बच्चा ठीक है, शुकु शुकु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओहो सूर्य देवता इधर से इधर शिफ्ट हो गए। पहले एक सेकेंड बता रहा हूँ, पहले उस साइड में निकलते थे जिधर झंडा है, अभी साइड निकलने लगे हैं। मतलब हमारा फेवरेट मौसम आ रहा है, ठंड का मौसम। हाँ तो बताइए रजुआ का फेवरेट मौसम कौन सा है? ठंड का मौसम। काश जिंदगी के हर सवाल का आंसर इतना आसान होता कि पता ही चल जाता अपने आप, लेकिन फिर जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं रहता, सस्पेंस ही खत्म हो जाता। अच्छी बात है कि हर आंसर नहीं पता है, ढूंढो। सवाल से पहले ही जवाब मिल जाता आदमी को, तो सारा हर सवाल का जवाब इंसान ढूंढता क्यों है आखिर? यही पागलपना है। ओह जवाब ही नहीं ढूंढना, करना क्या एग्जैक्टली? नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। इंसान गलतियों का पुतला है, सुबह सुबह जो हम इंसान गलतियों का पुतला है, और उन पुतलों में सबसे बड़ा पुतला हम है। चलो कोनो दिन मार खाएंगे मम्मी से, पहले भगवान जी को जल दे लेते हैं, फिर बतियाएंगे आप लोग से। रुकिए इस ब्लॉग को देखकर तो मम्मी खुशी हो जाएगी। कौन सा गलती कर दिए हम, ये पूछ रहे हो क्या तुम? तो देखो मेरे छत पे कितना अच्छा अच्छा फूल है। यस गलती हम कुछ ऐसा किए है ना कि एक चीज पे फोकस ही नहीं रहते, दैट इज माय बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ। एक चीज पे फोकस नहीं रहते हैं, जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कहीं पे कोई शूट मिल गया, कुछ भी कर लिया, तो फिर उसी में लग जाते हैं। एंड हम ये बहुत टाइम से कर रहे हैं,
शायद यही रीज़न है कि बहुत सारे जो हम अपने आप को उन यूट्यूबर्स में देखते हैं, देखो नंबर्स एंड ऑल सब अपनी जगह है, बट नंबर मैटर करता है मैंने उसी के, हाँ सब किसी के मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो तुमको लगता है कि हाँ भाई दैट इज़ एन अचीवमेंट। तो हमको ये फील होता है ना कि हम और आगे होते, मतलब मेरे और सब्सक्राइबर्स होते, और व्यूअर्स होते, और पैसे होते, और अचीवमेंट्स होती, लेकिन वो नहीं है क्योंकि हम 10 चीज़ों के पीछे रहते हैं। और ये चीज़ मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे मम्मी पापा ने, सब ने मेरे को बहुत बार बोला है, बट एक होता है ना कि अब सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है तो और ज़्यादा ख़राब भी लग रहा है अंदर से, तो ठीक है ख़राब लगने से क्या ही होना है, कुछ नहीं होना, काम करना पड़ेगा गुरु उस पर। चलो काम करते हैं, क्या काम करेंगे पता नहीं, देखते हैं। यही एटीट्यूड ले रखना है, पता नहीं, पता करो क्या करेंगे और उसको अच्छे से करो। ओके ओके ओके, आई एम द वन स्कोल्डिंग माय सेल्फ, आई एम द वन लिसनिंग टू द स्कोल्डिंग्स, व्हिच वन एम आई? डांटने वाले भी हमें, डांट खाने वाले भी हमें, है कौन हम? हाथ धो दिया मेरा सुबह सुबह उठ के, स्नान करके, पूजा वूजा कर दिए, क्यों तो पता नहीं हमको जिस दिन ऐसा जिस दिन हमको कुछ रियलाइज होता है ना कि हमको करना चाहिए, उस दिन मेरा कुछ कुछ आदत ऐसा है कि हम नहा लेंगे, पूजा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे भाई एकदम। वैसा ऐसा नहीं है कि बिना नहाए इंसान में इंसान जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, पर नहा कर करने में अच्छा लग रहा है। फिर कल ही हमको लग गया कि नहाना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे भी ठंडा मेरा नहाना स्किप हो जाता है, हमको भूख लग रहा है जोर से, चलो कुछ खाते हैं। और उसके बाद हम सोए सुबह उठे थे ना, उठ के पूजा कर रहे थे, उसके बाद हम सोए और बहुत गंदा सोए। सुबह उठना 5 बजे 6 बजे, नहाना, पूजा करना है, नॉल सब सही है, उसके बाद फिर सो जाना हमको समझ में नहीं आता है। पूजा कर लिए, सूर्य भगवान को जल ढार दिए, उसके बाद सो गए, अभी उठे 12 बज रहा है। कोई बात नहीं है, पहले ठूस लेते हैं भूख लगा हुआ जोर से। कोई बात नहीं, आज सुबह ही हम बोले थे आदमी गलतियों का पुतला है। अरे ठंडा लग गया तुमको जीरू, ये कौन बनाया तुमको? बात कुछ ऐसी है कि हम बना रहे थे रोटी, ये देखिए यहाँ रोटी बनी है, मस्त मस्त फूला भी था हमारा रोटी, 3 रोटी बनाए हैं, और उसके बाद जो रोटी का शेप एकदम बिगड़ गया तो हम उसको पराठा बना दिए, थोड़ा सा बिगड़ा चिपका फटा, हम क्या किए 2 पराठा बना दिए, तो ये 2 पराठा अब हम खाएंगे, और उसमें से जो 3 पराठा है वो हमारी दादी खाएगी। दादी ले, आज तो तुम प्लेट ही निकाले हुए कि पराठा बना बना के डायरेक्ट प्लेट में डालेंगे, 3 पराठा एकदम खाएंगे बढ़िया से। मेरा हेल्थ इतना डाउन हो गया है ना कि हमको एकदम अब अपना ध्यान रखना है, ये जोश मेरा बना रहेगा ध्यान रखने का, सब ठूसेंगे। रोटी बना रहे थे तो पराठा बन गया, पराठा बना रहे थे पता नहीं क्या बन रहा है यार। देखिए दीदी और दादी दोनों मिलकर मेरा वीडियो देख रही है, हंस रही है। चलो पैसा निकालो, 50-50 रुपया 50-50 रुपए दो। वो जो अपने ब्यूटी का पूरा मेंटेनेंस करती है, और एक वो जो लिपस्टिक उठा के ओट पे भी लगा लेती है और गाल पे भी लगा लेती है। सुअर पापा, इतना सुअर सुअर क्यों बोलने लगे आप हमको आज? क्यों देखो शीरो को, तुम्हारा कटोरी वाला पानी गया, शीरो जा रहे ऊपर छूने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये प्रसादी को छूने का बात हो रहा था। साइकिल वा? हाँ साइकिल है बाहर, ऐसे पूछ रही जाके देखो तो साइकिल है ना, मतलब नहीं होता तो इतना। दादी कौन सा साइकिल? हाँ लागल बात ये जो व्लॉग दीदी देख रही है, अगर आपको भी देखने का मन है तो हम लिंक नीचे डाल देंगे, परेशान होने वाला कोई बात नहीं है। हैप्पी बर्थडे दीदी। हाँ ठीक है, जो भी है बहन खुश रहो, हम तो खुश नहीं है, पर एटलीस्ट तुम खुश रहो। हमारी होने वाली मेड काम वाली बाई नहीं आ रही है, कुछ दिन पहले हम काम वाली बाई वाला वो किए थे, एक्टिंग किए थे, सच में बनकर हम काम वाली बाई करोड़पति का एक्टिंग करी। अगला वीडियो करोड़पति पर रहेगा, उसके बाद हम करोड़पति भी बनेंगे। तो क्योंकि वो नहीं आ रही है तो उनकी जिम्मेदारी जो झाड़ू लगाने की थी, हम झाड़ू लगा रहे घर में, कान में ईयरफोन है, गुनगुना रहे हैं। ये
यार हल्का, शीरो सोने का कोशिश कर रहा है, तब से सोने का कोशिश कर रहा है। हम लोग के पड़ोस में रामी बच्चा है, पता नहीं लोगों को पड़ोसी अच्छे से होता है। हमारे पड़ोस में भाई पिछले आधे घंटे से खिड़की पे कोई मारे जा रहा है, ठक 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 ठक, भाई इतना डिस्टर्बिंग। साला ये आग खोल के खराटा ले रहा है। दीदी सारी कोई खिड़की में पीट रहा है उधर से, वहां पर तुम किसको देख लिया सिर्फ दादी है दादी, चलो चलो लेके चलते हैं, चलो चलो लेके चलते भाई साहब आइए दादी, शुरू से मिलके नहीं है, नहाया है नहाया है। दीदी फिर खिड़किया फिट होगा, खिड़की वो पागले बंदे वो दीदी कौन है फिर पीटा देखो, अगर दोबारा जाके खिड़की पीटना है तो छोड़ दो भाई, अगर कुछ बोलना है तो बोलो। क्या खिड़की पीट रहा है तुम क्यों पीटी भाई जा रहे हम इस घर में नहीं रहते भाई, मेरा इज्जत है मेरे नहीं। तुम क्यों पीटी जब खुद मरा कर रही हो, क्यों जितना माथा में दर्द कर रहा है हम भी उसके साले बहुत पिटाएगा, इस सब के लिए लो लो मत किया करो, खरीदे पैसा लगा के तो देखो 1200 सुनो बहन तुम भी कम हल्ला नहीं करवा रही हो इसको, ठीक है शांत रहो थोड़ा, अपना नहीं देखना है, है ही डरबुक्का। बहन तुम या तो खिड़की पीटो या तो बोल तीनों दीदी पागल हो दिन मेरा थोड़ा ऐसा बीता, थोड़ा कैसा बीता है दिन बड़ा ही क्यूट कॉन्वर्सेशन पड़ोसी उधर खिड़की को मार रहा है, बगले में खिड़की है इधर मार रही है, बम बारूद अनार बम ले आओ खिड़की पर फट जाएगा, उस दिन से छोड़ देना। अब कोई बच्चा है ठीक है ना, अरे क्या पागलपना है, बच्चा नहीं हरामी है, क्या पागलपना है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है तुम जो डंडा लेके की होना हमको लगता है कि हम मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए, फिर तुम्हारा कुछ कुछ हरकत देख लेता है यार, वो भी तो कॉन्फिडेंस के साथ भाई मुंडी कैसे उठा ले भाई, ये सब चीज हम ना देखते डर लगता है हमको, हम तो नमक लेने आए थे, छिपकली भी अच्छे से करके देखेगा, चलना ना शुरू करते बाबा नमक चमक। हम सोचते हैं हम इस चीज़ पे कंप्लेन करते रहे या करना बंद कर दे, क्योंकि कुछ चीज़ें रोज होती हैं, जैसे मम्मी कौन आ रहा है पीछे से, ये देखो मेरे तरफ ना एक आध लाइट ही जला रहता है गली में, इतना अंधेरा रहता है ना कि व्लॉग्स बनाने लायक रहता ही नहीं है, सो मोस्टली हम अपना फ़ोन नीचे ही कर देते हैं।
जिन चीजों के लिए हमें खत्म कर दिया जा सकता है, हमारा अस्तित्व तो मिटा दिया जा सकता है, वो चीज जब हमारे घर वाले करते हैं नॉर्मल है, हम सोचते हैं इस चीज पे हम बार बार अपने बॉक्स में कंप्लेन करें या नहीं। अब जैसे मम्मी है तो मम्मी का फोन अगर बिजी आ रहा है, तुम फोन पे फोन करते रहो, मौसी से बात कर रही है, किससे बात कर रही है पता नहीं चलेगा, बट फोन नहीं उठाएगी, कुछ भी हो जाए बिजी है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पे व्यस्त है, एक घंटा बाद फोन करो बिजी ही बताएगा वो, और मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टी टी बज रहा है, सुनाई भी दे रहा है, पता भी चल रहा है कि हाँ फोन आ रहा है, लेकिन फोन नहीं उठाती है भाई। यही चीज अगर हम लोग कर दें, एक कॉल नहीं उठाए बस, बिजी रहने का तो सवाल ही नहीं, बिजी थे तो फिर तो बचेगा नहीं इंसान, लेकिन अगर एक कॉल भी नहीं उठाया गया उसके बाद देह ना सिहर जाता है डर से कि साला फोन नहीं उठाया अब क्या होगा। हम सोचते हैं इस चीज को हम तुम लोग को बताए रोज कि ऐसा हुआ, या छोड़ दे, क्योंकि साला रोजे होता है ऐसा। अभी बैंगन लिए, फोन करके पूछना था कि हरा वाला लेना था कि भंटाई वाला लेना था, ब्लू वाला, तो फोन नहीं उठा रहा है, हम दोबारा थोड़ी जाएंगे दुकान। तो बाहर जाके अपने लिए स्नैक्स लेके आते हैं, ढूंढ के लाए हैं इसको, ये हमको पसंद है, हम इसको कभी कभी खाता है। वो देखो आसमान में चांद, अच्छा लग रहा है। हम अपने लिए चावल फ्राई करने जा रहे हैं। कभी कभी ना, कभी कभी छोड़ो, बकवास बाद में करेंगे, पहले काम। तो है तो सांस, ये देखो उस रूम में बैठ करके हमको देख रहा है, ऐसे ही मेरा हस्बैंड हमको देखे, भगवान करे सारी करे उधर से, जाने मन जाने जिगर तुम ही सब कुछ हो, आ जाओ जब माले के सुता जाए। पापा क्या बोल रहे थे? क्या हुआ, सुंदर नहीं लग रहे हम? आई डोंट केयर, जैसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत? सुंदर लगना होता है तो तैयार होकर आते हैं, नहीं लगना है हमको, हम ठीक है, ठीक है। ये रात को हमको भूख लगने का जो मिर्गी चढ़ा है आज, उसके बाद हम स्वीट कॉर्न को भूंज लिए हैं, अपने लिए भूंजे तो दीदी के लिए भी भूंजे। पागल हो गई क्या? देखो चाय भी बना है दीदी के लिए, ठीक ठाक, बहुत अच्छा, बोलो जबरदस्ती बोले हैं। हाँ जबरदस्ती बोलो, बोलो अच्छा बोलो। अंजलि मेरे दांत पे प्रॉब्लम है, मत करो ऐसे। अरे तुम्हारे दिमाग में भी प्रॉब्लम है। अगर हमको कल बर्गर ढाबा का बर्गर नहीं मिला, हाँ, तो हम इसी व्लॉग में तुमसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा जान चला जाएगा। और इल्जाम तुम पे डाल रहे हैं क्योंकि तुम इतना कमाती हो। कितना कमाते हैं? कितना नहीं हमको वो सब नहीं, अकाउंट में 125 रुपए है, दिखा दे बैलेंस। तो भीख मंगी क्यों बनी हुई हो? नहीं है तो सही, मेरा हमको नहीं जानते, 125 रुपए में 100 रुपए में आता है बर्गर, हमको चाहिए बर्गर, नहीं मिलेगा हमको, चाहिए। अभी तक तुम अपने दोस्त को बोल रही थी, ये कौन सा बड़ा बात है, हम तो खिला देंगे तुमको बर्गर। एक सेकंड, लाइट चला गया ब्लॉग में से। यहां क्या हुआ, पूरा मुंह ही पे हो गया है। और लगाओ मिनिमलिस्ट मैक्सिमलिस्ट, उसकी वजह से नहीं हुआ है तो चूस लिया कोई। बर्गर खिलाओ, भीख मांग के पैसा लाओ लेकिन बर्गर खिलाओ। मेरे हाथ पे हाथ रखो, नहीं रखो बर्गर, हम किसी के हाथ में नहीं मिलाते हैं हाथ। इधर है बर्गर, नहीं अरे बीच में पैटी डालो ना। बीच में पैटी डालो, क्यों खाओ को ना, हाथ क्यों डाले, लाओ तुम्हारा ही हाथ ऐसे करके। गाइस आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है, आप लोग से मिलेंगे हम कल अगला ब्लॉग में, अगला मजे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, धमा धमा एकदम, बाय बाय, लव यू। ओहो ठंडा का मौसम आ गई है। चिपकली चिरू, चिपकली 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 के नाम पे तो सब कर लेगा ये। पिछले दिनों में चिपकली पत्नी थी क्या तुम्हारी? पापा कह रहे थे सिरू को बेच के आम लेके आएंगे और सबको खिलाएंगे। सिरुआ बेचाए? नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, मजाक कर रहे हैं सिरू। मेरा बच्चा हाथ फंस गया ना उसमें, हाथ निकाल दो उसमें से, भाई भाई कर रहा है पागला। देखो ना एक ही पोज में बैठ गया है, हिल ही नहीं रहा है वहाँ से। जब उसको अपने शक्ति का एहसास हो, शक्ति का एहसास करा है तुमको। हाँ का फायदा सिरू कपड़ा पहने का, जो ढकाना था वो तो ढकाया नहीं।
लेकिन ठीक है छाती ढका गया काफी है, बाकी चीज तुमको ढकने का, अब टांग मत उठाना, छुट जा गुड नाइट। गाइस मम्मी उठी, हम उसको जैसे बताया मोबाइल वोबाइल सब अंदर खोच रही थी, पबजी खेल रही थी बैठ के, मैं पढ़ाई कर रही थी। पैर दबाओ पैर, मम्मी को पता नहीं चलेगा कि उठे हुए थे। जैसे मम्मी को व्लॉग देखने के बाद तो आइडिया ही नहीं लगेगा कि हम लोग क्या करते हैं। पता सब होता है मम्मी पापा को। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय प्यारे लोगों, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।